तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। संचालनालय किसान कल्याण एवं कृषि विभाग भोपाल मध्य प्रदेश कृषि विस्तार कार्यक्रम आत्मा अंतर्गत संविदा भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। नोटिफिकेशन बताने से पहले अगर तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं संचालनालय किसान कल्याण विभाग मध्य प्रदेश द्वारा संविदा पद पर भर्ती निकाली जा चुकी है। मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण विभाग एवं कृषि विकास विभाग के अंतर्गत आदेश क्रमांक आपको देखने को मिल रहा होगा। 7 जनवरी 2023 के तत्पर में आत्मा योजना अंतर्गत संविदा ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर के 154 पद हैं, असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर के 651 पद हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के 20 पद हैं एवं लेखापाल सहलिपि के 17 पद हैं। यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर के पद हैं, टेक्नोलॉजी मैनेजर के पद हैं, असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर के पद हैं और लेखापाल के भी पद हैं। अनारक्षित हैं, EWM के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, योग, टोटल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। सीधी भर्ती के लिए संभावित 100 बिंदु रोस्टर अनुसार सर्ववर्ग रिक्त पदों की पूर्ति होती है। ऑनलाइन चयन प्रक्रिया की निम्नानुसार की जाएगी। संवर्ग रिक्त पदों का विवरण यहाँ पर आप देखने को मिल रहा होगा। प्रत्येक पद के लिए यहाँ पर अलग अलग बताया जा रहे हैं। ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर के लिए 30,000 रुपये प्रतिमाह आपको वेतन दिया जाएगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए और कंप्यूटर की दक्षता होनी चाहिए। वांछनीय कृषि में मैदानी कार्यों का 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। बात कर लेते हैं असिस्टेंट टेक्नोलॉजी की। 25,000 रुपये प्रतिमा आपको मिला जाएगा और वही जो है उसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है उसकी भी यही है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपको 16,000 रुपये प्रतिमा दिया जाएगा। मान्यता विश्वविद्यालय किसी विषय में स्नातक DCA PGDCA के साथ साथ CPCT अथवा BCA MCA के साथ साथ CPCT होना जरूरी है। लेखापाल के लिए आपको 22,500 रुपये प्रतिमा दिया जाएगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से टेली सॉफ्टवेयर के साथ BCOM उपाधि वांछनीय है। लेखा प्रबंधक संबंधित कार्य का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। चयन प्रक्रिया आपको यहाँ पर देखने के लिए 32 प्रश्नों पर आधारित ऑनलाइन चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। संचालनालय किसान कल्याण एवं तथा कृषि विकास मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार MP ऑनलाइन द्वारा निर्धारित परीक्षा के में चयन प्रक्रिया आयोजित किया है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी वैकेंसी, आप इसमें जरूर आवेदन कीजिए। आवेदन भरने के लिए आपको 510 रुपये प्लस GST फीस आपको यहाँ पर देनी होगी। इसके अगर इसमें संबंधित और कोई आपको अपडेट पानी है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। नोटिफिकेशन पूरा पढ़ने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है व्हाट्सएप ग्रुप की, वहां से जाकर ज्वाइन हो जाइए और हम आपको ये PDF प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों वैकेंसी कैसी लगी जरूर से बताइएगा। इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो लेकर आप जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।